Good morning, students. So let us start with this chapter, motion. In our previous classes, we have seen the difference between the scalar and the vector quantity. Okay, these terms we'll be using here. Scalar quantities are those physical quantities wherein magnitude itself is sufficient to explain completely. Whereas in vector quantities, we need both the magnitude as well as the directions for the complete explanation. Okay. So, velocity, force, weight, acceleration, these all are examples of vector quantity. When we talk about scalar quantities, mass, temperature, energy, work, pressure, they are actually, you know, irrespective of the direction. Okay, they could be explained completely with a magnitude. They don't need any direction. So, they are scalar quantities. So, now let's move on to this chapter. Now, herein we'll be discussing about speed, velocity, acceleration. These will be the terms which we will come across again and again. So, before diving deep into the chapter, you should know the meaning of rest. What is rest and what is motion? An object is said to be at rest if it is not varying its position with respect to time. Okay, जब किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी बात हो रही है उसकी पोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती ओके विद टाइम दैट मीन्स जैसे ही टाइम पास हो रहा है ओके टाइम इज जस्ट मूविंग एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन इट इज सेट टू बी एट रेस्ट. मोशन क्या होता है? When do we say that an object is in motion? An object is said to be under motion if it changes its position with respect to time. अगर वक्त के साथ किसी ऑब्जेक्ट का जो जो पोजिशन है उसकी वो चेंज हो रही है देन इट इज सेट टू बी इन मोशन. सी, मोशन एंड रेस्ट, दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव. ओके, रिलेटिव हियर मीन्स, सी, वेन यू आर मूविंग इन अ ट्रेन फॉर एग्जाम्पल. ओके, जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन ट्रेन में जो दूसरा पैसेंजर आपके साथ बैठा हुआ है, ओके, ही इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू यू. ओके, फाइन. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अ पोल और अ ट्री आउटसाइड द ट्रेन, व्हेन द ट्रेन इज मूविंग, दैट ट्री और इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू. फाइन. सो यहाँ पे जो ये टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन, दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव. ओके, हो सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ओके, और किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो या रेस्ट में हो. ठीक है, सो दीज टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Now, what is distance and what is displacement? Just imagine a body, an object moves from point A to point B, then to C, then to point D, and then to point E. So, यहाँ पे एक body ने जो है वो distance cover किया. कैसे move किया? जो ये blue color line show कर रही है, A से वो B गया, B से C, C से D point पर, and then to the E point. सो यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ है ए बी सी डी ई, ओके, दिस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस. ओके, अब डिस्टेंस जो है बेसिकली ये एक्चुअल पाथ लेंथ है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ने ए पे स्टार्ट किया और फिनिश कहाँ पे किया उसने, जो उसका फाइनल पोजीशन है क्या है, वो ई. ओके, और जो इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन ए, सो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा एक्चुअली, दैट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो जो ए ई जो लाइन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. दिस इज द शॉर्टेस्ट वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. और डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस एक्चुअल
पाथ लेंथ, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. वेन यू टॉक अबाउट डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो, ओके. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो हो सकता है, ओके. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कल है फॉर एग्जाम्पल. इफ अ फेलो, इफ अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड टेक्स अ कम्प्लीट राउंड एंड कम्स बैक टू दिस सेम इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन है वो सेम हो गई, ओके. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं है. सो डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पे मतलब है अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी, ओके. कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेज कवर कर रही है इन इक्वल गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल एक एक सेकेंड में वो एक एक मीटर कवर कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन है. सी द डिस्टेंस ऑन दी वाई एक्सिस, टाइम ऑन दी, सॉरी, डिस्टेंस ऑन दी वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन दी एक्स एक्सिस, या ठीक है. तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके. सो दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ, अ लाइन ग्राफ, शोज यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके. मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो अलग अलग है, ओके. फर्स्ट सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर है, सेकेंड सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर है, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है डिस्टेंस कवरिंग में, ओके. कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं. तो जो ग्राफ हमें मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. स्ट्रेट लाइन के अलावा ये किसी भी फॉर्म का ग्राफ हो सकता है, इट कुड बी कर्व्ड अपवर्ड्स, कर्व्ड डाउनवर्ड्स और ज़िगज़ैग लाइन, राइट, बट इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. नाउ स्पीड क्या होती है, बेसिकली स्पीड जो है इसको हम बताएंगे एक्चुअली, वी कैन कॉल इट एज रेट ऑफ, यू नो, द रैपिडिटी ऑफ चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, है ना. और वी कैन से इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना. पर यूनिट टाइम एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, वो उसकी स्पीड होगी, डिस्टेंस बाय टाइम. सो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हम इसको फाइंड करते हैं, डिस्टेंस यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकेंड. सो स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एस आई यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एम पर दिस, यू नो, एम मीटर पर सेकेंड, दिस स्लैश योर, और इन दिस वे एम एस टू द पावर माइनस वन. नाउ इसको हम रीड ऐसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड और इन दिस वे मीटर पर सेकेंड. सी यूनिट्स को कभी भी आप लोग एस नहीं लिखेंगे, ओके, सेकेंड्स और मीटर्स, नो, इट्स ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म, नॉट प्लूरल फॉर्म. सो इसी से हम लोग बहुत सारे फॉर्मुलेज, यू नो, डराइव कर सकते हैं. डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम, ओके, तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कोई एक अगर हमें नहीं पता, ओके, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अदर टू. डिस्टेंस यू कैन फाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू टाइम, टाइम कुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ओके. कोई एक अगर हमें नहीं पता, इफ अदर टू आर गिवन, वी कैन कैलकुलेट द थर्ड वन. नेक्स्ट, ये इस टाइप के डिवाइसेस आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे व्हीकल्स में, ओके, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, ओके, जो यहाँ पे स्पीड इंडिकेट करता है, ओके. स्पीड जो व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज नोन एज स्पीडोमीटर. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कुछ नंबर्स यहाँ भी इंडिकेट कर रहे हैं, किलोमीटर लिखा हुआ है. दिस एक्चुअली इंडिकेट्स द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ओडोमीटर.
odometer and speedometer are usually fitted in the vehicles, okay, so that we can know the speed and the distance covered by the vehicle. Now the speedometer helps in finding the speed. What kind of speed actually? Instantaneous speed. Kya hoti hai instantaneous speed? Okay, instantaneous speed ka matlab hota hai स्पीड की जो वैल्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, किसी भी वक्त, ओके, कोई भी इंस्टेंस ऑफ टाइम हो सकता है, वहाँ पर उस व्हीकल की क्या स्पीड है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस कार इज मूविंग, दिस ब्लैक लाइन इज शोइंग द मोशन ऑफ दिस कार, और इस मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पीड देखें, सो दैट विल बी नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? वट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. सो बेसिकली इट इज ए रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then we can say that the object or the body is moving with a uniform speed no matter how small these time intervals may be. So average speed yahan pe dekh sakte hain hum, total distance traveled upon total time taken. Ek example diya hua hai, if an object travels 10 meter in 3 seconds and 12 meter in 7 seconds, then its average speed would be, so total distance kya ho jayega, 10 meter plus 12 meter, that comes to be 22 meters. Total time taken 3 seconds plus 7 seconds, it comes out to be 10 seconds. So average speed, total distance 22 meter, total time 10 seconds. Okay, iska jab hum ratio find karenge, we will get 2.2 meter per second. So is type ke numericals aa sakte hain. Next, see, speed basically is a scalar quantity. Okay, it has only magnitude, and with magnitude we can explain completely about it. Next, we'll discuss a new term here, velocity. Now, what is the meaning of velocity? Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. Yahan pe direction ka bahut importance hai. That is why velocity is a vector quantity. Okay? So, hame pata hai, distance traveled in a given direction is known as displacement. So velocity is given by displacement upon time taken. Okay, velocity we represent by v, okay, and displacement by small s, time taken by small t. So this is how the three are related. SI unit of velocity is same as that of speed, meter per second. Okay, we can use bigger units like kilometer per hour. Now velocity basically is a vector quantity. It is the displacement, okay, per unit time. Or velocity of a body is the distance traveled by an object per unit time in a given direction. So yahan pe direction ka role bahut important hai. So velocity jo hai aapki wo, you know, it can be zero, it can be negative, it can be positive, but speed cannot be, you know, जीरो और नेगेटिव. नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है आपकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हियर मींस इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म सॉरी अ बॉडी हैज इज सेड टू बी हैविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी. So, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ओके, दैट टू इन अ स्ट्रेट लाइन. सो वेलोसिटी जो है बॉडी की वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, स्पीड अगर आपकी कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज, ओके, अगर स्पीड चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी चेंज. सो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड में हमेशा एक जैसी नहीं होंगी. ठीक है,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, जो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो इक्वल तभी होगी किसी मूविंग बॉडी की जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, इफ़ इट मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ये मोशन सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल। ओके, सी द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। ओके, इस ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, राइट। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव ओके और पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? ओके, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज हो रही है, मतलब स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे चेंज होती है पर यूनिट टाइम। सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट्स एस आई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख सकते हो आप, सी वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की, तो यहाँ पे एक और सेकेंड आ गया, इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन दो टाइप की हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, सी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, ओके, उसमें कंटिन्यूसली अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसकी जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, सो सच एक्सेलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हियर मीन्स अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक स्टेबिलिटी है यहाँ पे, जो इंक्रीज होगा वेलोसिटी में, ओके, वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लाइक हर सेकेंड जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, 2 meter per second का इंक्रीज हो रहा है। ओके, यस, सो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, ऐसा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, सो मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, फ्री फॉल, सो इट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यहाँ पे मतलब है, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, मतलब कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो गई। सो यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, उनमें जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी की, ठीक है, वो जो है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इट विल बी अ कर्व लाइन, या zigzag लाइन हो सकती है, यू नो, कर्व अपसाइड डाउन हो सकता है, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी एनी शेप। सो एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड। ओके, जब कोई कार जो व्हीकल है एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रोड पर चलेगा, तो उसका जो मोशन होगा, दैट विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने जो आज डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं, यू शुड राइट दीज इन योर notebooks. Okay, I hope through this video you will be able to make the notes. Okay, jiska remaining part hai, ab hume isme graph discuss karne hai. Graphs are very important, that I will take up in the next video. Okay, so yahan pe jitne bhi formulae humne likhe hain speed ke, average velocity, okay, you should know these, memorize karne hi hai aapko. Okay, numericals jo hai, I will take up another video for this. सो ये आपको ध्यान में रखना है। सी असाइनमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हेनेवर यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू मेंशन दीज। ओके, कैलकुलेशन शो करना इंपॉर्टेंट होता है, जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ग्राफ्स के साथ काम करेंगे, विल सी दी ग्राफ्स। ओके,
So that's all for today. Take care. Okay, be at home, be safe. Thank you.